नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लिफ्ट इंडिया। आरती से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि जिस माँ बाप ने आपको 19 सालों तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जब आप उनकी नहीं हुई, जब आपने छोटू के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके आप छोटू के घर पे चली आई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में अगर आपको कोई पसंद आ जाए, कोई अच्छा लगे, किसी से आपको प्यार हो जाए, तो आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगी। ऐसे सवालों से आरती घिरती हुई नजर आई और इनसे बचती हुई भी नजर आई। उनका कहना है कि ऐसा हम निश्चित तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना वादा जरूर करते हैं कि ऐसा कभी भी नौबत नहीं आएगा कि हम छोटू के परिवार वालों को छोड़ेंगे। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि जो भाभी हमेशा से छोटू से आप बात करती थी तो इसके खिलाफ रहती थी, अचानक उस रात को 2 बजे उनको ऐसा क्या तरस आ गया कि उन्होंने खुद ही छोटू को फ़ोन करके बोला कि आरती आपसे मिलना चाहती है और आप आइए, क्या आपकी उस पर मिली भगत थी, क्या आप भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल थी? इस पर आरती का कहना है कि मैंने कभी भाभी से कहा ही नहीं कि मुझे छोटू से मिलना है या उसको फ़ोन कीजिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के इन सवालों से वो मछली की तरह छटपटाने लगी, वो कोई भी बात का जवाब सही से नहीं दे पा रही हैं। उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत थी। वहीं आरती के पिताजी का कहना है कि इससे पहले भी छोटू जो है वो रात में मिलने आता था, गांव में कई दफ़ा चोर का भी हल्ला होता था कि हाँ कोई बाहरी आता और लोगों के घरों में जाता है, लेकिन ऐसा जब बार बार सुनने में आया तो कुछ लोग चौंकना हुए और फ़ोन पर बात करते हुए 2-4 बार जब इनके पिताजी ने इन्हें देखा, उसके बाद से उन लोगों ने जानने का कोशिश किया कि भाई ये किससे बात करती या कौन आता है, और उसके बाद वो लोग ताक में रहे और फिर अपने इन्होंने अपने जीजा को भी बुलाया और जीजा और इसके पिता और इसके भाई सब लोगों ने मिल करके प्लान किया और प्लान के अनुरूप ही भाभी से कॉल कराया गया कि वो आरती जो है आपसे मिलना चाहती है। और जब छोटू उस रात मिलने आया तब आरती को एक अलग कमरे में बिठा दिया गया। दोस्तों बताते चले कि उस कमरे में जो है वो दरवाज़ा भी नहीं था, लेकिन अगर आरती अगर छोटू के सपोर्ट में रहती या चाहती कि छोटू को कुछ ना हो तो वो ज़रूर ही हल्ला की रहती या समाज वालों को या अगल बगल वालों को सूचित करती या पुलिस को कॉल करती। जब आरती से ऐसा पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आरती का कहना है कि उस वक्त मेरा माइंड ही वर्क नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दोस्तों आरती के ऐसे बयान और ऐसे बातों से आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आरती का इसमें सम्मिलित थी या नहीं? अपना जरूरी कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज जरूर करें और अपने विचार जरूर दें ताकि हम भी समझें और मीडिया वाले भी समझें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है और आपको क्या लग रहा है इस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।